हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्रैवलिंग इंजीनियर्स आज हम बात करेंगे क्रेटा के नए मॉडल के स्मार्ट की फॉप के बारे में तो ये जो की है आ, स्मार्ट की ये एस एक्स और एस एक्स ओ मॉडल के लिए है चार बटन हैं इसमें अगर आप देखेंगे और नीचे के मॉडल से थोड़ी सी डिफरेंट है तो हम यहाँ जो बात करने वाले हैं एस एक्स और एस एक्स ओ के स्मार्ट की के बारे में है तो पहले दो तो बटन के बारे में तो हम सब जानते हैं पहला बटन लॉक का है दूसरा बटन अनलॉक का है तो उन दोनों बटन के बारे में मैं नहीं बताऊँगा चलिए बात करते हैं तीसरे बटन से जो कि है होल्ड बटन तो ये होल्ड बटन क्या करता है कि इसको जब आप प्रेस करते हैं तो ये बटन आपका ट्रंक को ओपन कर देता है तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको प्रेस कर रहा हूँ अब ट्रंक इससे ओपन हो जाएगा बाकी गाड़ी पूरी लॉक रहेगी और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ट्रंक आपने 30 सेकंड के अंदर नहीं खोला तो वो फिर से लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली तो यहाँ पे मैंने ट्रंक खोल दिया है अगर बाकी गाड़ी देखेंगे तो वो अभी भी लॉक है गाड़ी में कोई भी अनलॉक फीचर एक्टिवेट नहीं हुआ है बस ट्रंक ओपन हुआ है और तीस सेकेंड में अगर आप नहीं खोलते उसको भी तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है फिर से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसमें दूसरा फीचर आपका है जैसे गाड़ी अभी अनलॉक है चाबी मेरे पास है आ, मैं इस चाबी और गाड़ी दोनों रेंज में है तो आपका जो ये बटन है ब्लैक बटन ये बटन प्रेस करने से आप गाड़ी अनलॉक कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए ये बटन मैंने प्रेस किया और गाड़ी अनलॉक हो गई है और मैं घुस सकता हूँ तो ये मैंने पहले भी एक दूसरे वीडियो में बात की है कि जनरली ये बटन जो है ये दोनों तरफ होता है पैसेंजर साइड एंड ड्राइवर साइड बट अनफॉर्चुनेटली हिंडाई ने ऐसा किया नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली ये बटन सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड पे दिया गया है पैसेंजर साइड पे ये बटन नहीं है तो थोड़ा सा मिस है बट स्टिल यूज़फुल फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है अब एक और फीचर है जो मैं आपको दिखाता हूँ ये है ऑटो लॉक फीचर तो क्या होता है कि जैसे गाड़ी में अभी लॉक कर देता हूँ और जैसे कि मेरे को दिखाना है कि अगर गाड़ी मैंने अनलॉक की और मैं भूल गया Uh, मैं बात करने लगा किसी से या मैं ऐसे ही कहीं इधर उधर चल, चला गया तो क्या होगा तो इसमें होता क्या है कि अपने आप ये गाड़ी uh, टाइमर बेसिस पे एक मिनट के बाद लॉक हो जाएगी uh, कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा कोई आपको प्रेस नहीं करनी पड़ेगी की या कुछ भी नहीं प्रेस करना पड़ेगा और गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी तो मैं आपको पूरा एक मिनट के लिए होल्ड नहीं करूँगा यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा वीडियो को तो आप, आपको दिखाता हूँ मैं कि ये वीडियो ऑटोमेटिकली ये कार ऑटोमेटिकली लॉक हो गई है तो ये देखा आपने गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो गई है कोई आवाज़ नहीं आई मैंने की प्रेस नहीं की है कोई और ये गाड़ी लॉक हो गई है खुद ही अब अगले फ़ीचर की बात करते हैं और गाड़ी लॉक है इस समय आप देख सकते हैं मिरर्स रोल डाउन है तो जैसे ही आप इस गाड़ी के पास पहुँचे जैसे आप बोनट के पास पहुँचेंगे देखिए अपने आप ये ऑन हो गए हैं और यहाँ पर एक लाइट भी है अगर आप ध्यान से देखें तो, तो ये है इसको कहते हैं वेलकम फीचर इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ तो ये अच्छा फीचर है स्पेशली uh, अगर आपने कहीं ऑफ के टाइम पर गाड़ी खड़ी कर रखी है आपको पता नहीं कि गाड़ी के आसपास का एरिया कैसा है तो दोनों मिरर्स में लाइट uh, है uh, जो कि ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली जैसे ही आप बोनट के पास पहुंचेंगे इस की को लेके ऑटोमेटिकली वो दोनों मिरर्स ऑन हो जाएंगे और दोनों लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो अच्छा फीचर है ये इसको कहते हैं वेलकम फीचर और ये जो लाइट है इसको कहते हैं पडल लैम्प या पडल लाइट तो काफ़ी अच्छा फ़ीचर है जो कि आप इसको स्मार्ट की के साथ यूज़ कर सकते हैं हाँ जब ये गाड़ी आप लॉक या अनलॉक करते हैं तो आ, एक साउंड होती है जैसे आप देखेंगे मैंने अनलॉक किया तो दो बार बीप किया फिर मैं अभी लॉक करूंगा तो ये एक बार बीप करेगा और ब्लिंकर्स भी ऑन ऑफ होते हैं तो आ, इसको आप एक्चुअली ऑफ़ कर सकते हैं ये जो साउंड है इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं ऑनेस्टली आई कैंट थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी लेकिन क्योंकि हिमडाई ने ये फ़ीचर दिया है मैं दिखाता हूँ कैसे करना है तो ये जो आपकी स्मार्ट की है इसकी जो लॉक और अनलॉक बटन है अगर आप इन दोनों को एक साथ चार सेकेंड के लिए दबाएँगे तो ये ऑफ हो जाएगा देखिए अब ब्लिंकर चार बार ब्लिंक किया और अब ये आ, फीचर ऑफ हो चुका है अब आपको कोई साउंड नहीं आएगी मैं दिखाता हूँ आपको देखिए गाड़ी अभी लॉक स्टेज में है मैं इसको अगर अनलॉक करूँ तो गाड़ी अनलॉक हो गई है लेकिन कोई भी साउंड नहीं आए आया सिमिलरली अगर मैं इसको वापस से लॉक कर दूँ देखिए गाड़ी लॉक हो गई है लेकिन फिर से कोई साउंड नहीं आया तो जैसा मैंने कहा मतलब मेरे हिसाब से कोई ऐसा सिचुएशन मेरे लाइफ में नहीं है कि मैं इसकी ऑन और ऑफ़ साउंड को बंद करके रखूँ लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ये कर सकते हैं स्पेशली uh, uh, अगर आपको uh, बहुत ही ज़्यादा शांत इन्वायरमेंट चाहिए कोई अपार्टमेंट रिस्ट्रिक्शनस हैं वहाँ मतलब दट द ओनली थिंग आई कैन इमेजिन बट एनी और सेम चीज़ अगर आपको वापस से उस फीचर को एक्टिवेट करना है तो आपको सेम चीज़ करना है लॉक और अनलॉक बटन को चार सेकेंड के लिए दबा के रखना है और देखेंगे हम फिर से ब्लिंक करेगा देखिए कर दिया और अब ये फीचर फिर से ऑन हो गया है तो अगर हम देखेंगे देखिए अब लॉक करने पे फिर से साउंड हो रही है और अनलॉक करने पे भी अब फिर से साउंड हो रही है तो ये तरीका है इसको ऑन या ऑफ़ करने का इस साउंड को तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो क्रेटैक के स्मार्ट की फॉप के बारे में इसके और भी कुछ फंक्शनलिटीज़ हैं जो कि मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में कवर कर चुका हूं जो मेरा हिडन फीचर्स वाला वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा उसको आप चेक कर सकते हैं अगर आपको और भी फीचर्स देखने हैं स्मार्ट की के अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग अंटिल नेक्स्ट वीडियो बाय